नमस्कार, मैं हूं फराह खान और आप देख रहे हैं न्यूज आज। कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने अटेर विधानसभा उपचुनाव की जीत को ईवीएम में गड़बड़ी ना होने का नतीजा बताया। कांग्रेस आगामी विधानसभा में अपनी विचारधारा को जनता के बीच रखते हुए जनमत हासिल करने का प्रयास करेगी। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस मध्य प्रदेश में सीएम के तौर पर प्रेजेंट कर सकती है। कांग्रेस में अपनी अलग ही पहचान रखने वाले सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि अटेर चुनाव के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी नहीं की गई, जिसके चलते कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा कांग्रेस ने जोर शोर से उठाया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने कांग्रेस को ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव कराने का विश्वास दिलाया था। कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की विचारधारा को लेकर जनता के बीच जाएगी। कांग्रेस जनता को अपनी विचारधारा से अवगत कराते हुए जनमत हासिल करने का प्रयास करेगी। मुद्दे बहुत सारे हैं, चाहे सामाजिक क्षेत्र का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे जो अनियमितियां हो रही हैं उनका मुद्दा हो, लेकिन उसी के साथ साथ हमको अपनी सोच विचारधारा के साथ भी जनता के समक्ष जाना होगा कि अगर मौका दिया जाए तो हम लोग किस मध्य प्रदेश का निर्माण हम लोग करना चाहेंगे। तो दोनों का हम लोगों को एक समन्वय तय करना होगा। गौरतलब है कि कांग्रेस ने अटेर बांधवगढ़ उपचुनाव के दौरान ईवीएम और वीवीपैट की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे, साथ ही बैलेट पेपर से वोटिंग कराने की मांग की थी। राजनीतिक विशेषज्ञ कयास लगा रहे हैं कि सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस 2018 के विधानसभा चुनाव में सीएम के तौर पर प्रेजेंट कर सकती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम के तौर पर प्रेजेंट करने के लिए कांग्रेस पार्टी नेताओं के बीच सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रही है। न्यूज आज के लिए भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट। न्यूज आज में बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ न्यूज आज पर। नमस्कार।